प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी में गहमा गहमी शुरू हो गई है। प्रदेश में होने वाले प्रथम चरण चुनाव की नामांकन के दो दिन पहले पार्टी कार्यालय में गहमा गहमी के बीच राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र से आए प्रतिनिधियों की एक बैठक स्टेट बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई। इस बैठक में बूथ के अपग्रेडेशन में शामिल हर विधानसभा से एक एक प्रतिनिधि को बुलाया गया। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के झारखंड सह प्रभारी रामविचार नेत्राम भी शामिल हुए। इस बैठक में बूथों के उत्क्रमण के अलावा उनके तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी संभावित है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, जयंत सिन्हा समेत मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों और अन्य नाम पर चर्चा होनी है, जहां प्रथम चरण में मतदान होना है। प्रथम चरण चुनाव की नामांकन के पहले बीजेपी में बैठक का दौर शुरू हो गया है। सभी विधानसभा के प्रतिनिधि अपने अपने टिकट पर दावेदारी तो पेश कर रहे हैं, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि कितने प्रतिनिधि का टिकट रहेगा और कितने का कटेगा। टिकट नहीं मिलने पर इन प्रतिनिधियों का गुस्सा कहीं पार्टी के लिए सिरदर्द न बन जाए। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।